हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा लग्न के स्वभाव पे चल रही है। किस लग्न के आप हैं, तो क्या स्वभाव है, क्या व्यक्तित्व है, कौन से आपके अंदर गुण हैं, कौन सी कमियां हैं जिनसे आपको पाना है पार। तो आज के जो लग्न है धनु लग्न, धनु लग्न पे चर्चा करेंगे। क्या स्वभाव है और क्या कमी है, कौन से रत्न रेमेडीज आपके लिए अच्छी होंगी जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, कौन से वार अच्छे हैं, कौन से दिन अच्छे हैं, कौन सा अंक आपके लिए अच्छा होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए और दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिए। तो धनु लग्न बृहस्पति का लग्न है और बृहस्पति धनु को बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने मूल त्रिकोण का फल देते हैं। अग्नि तत्व का लग्न है, द्विस्वभाव है। आप लग्न का जो प्रतीक देखेंगे, चिन्ह देखेंगे ना, तो आधा घोड़ा आधा मानव उसके ऊपर तीर से निशाना लगाते हुए दिखाई देता है। मतलब ऐसे जातक का जो टारगेट होता है ना, एकदम फिक्स होता है, लक्ष्य पर उनकी नजर होती है और जो उनको लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होती है। जिस काम में लग जाएंगे तो घोड़ा वाला गत से काम करेंगे, रुकेंगे नहीं। तब तक ये नहीं रुकते जब तक इनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। लग्न के स्वामी क्योंकि बृहस्पति देव हैं और ये देवताओं के गुरु हैं, तो बृहस्पति के प्रभाव के कारण जो जातक धनु लग्न में जन्म लिया है, पहली बात तो वो धार्मिक होगा और जो ज्ञान का ग्रह होता है वो अधिकारों की बात करता है और दूसरों को अधिकार देने की बात करता है। तो स्वतः अपने अधिकार लेते हैं और दूसरों को अधिकार प्रदान करते हैं। करुणामय है क्योंकि गुरु हैं और मर्यादा में स्वतः रहना चाहते हैं और दूसरों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है, बहुत एक वर्ड होता है सुदर्शन, सुदर्शन शब्द जो है ना उसी तरह होती है। कलर साफ सुथरा होता है, विशाल ललाट होता है, नेत्र भी इनके बड़े बड़े होते हैं और नासिकाएं इनकी कुछ अट्रैक्टिव होती है, थोड़ा सा अग्रभाग आगे की तरफ झुका हुआ। तो इनका जो व्यक्तित्व होता है अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव होता है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छी लंबाई होती है और चूंकि गुरु की गुरुता लिए हैं तो थोड़ा सा स्थूलपन भी आ जाता है। अध्ययन में विशेष रुचि होती है क्योंकि गुरु ही लग्न के लाड हैं। ज्यादातर ये लोग स्वस्थ रहते हैं, स्वभाव से शांत हैं लेकिन थोड़े से अभिमानी हैं, थोड़े से धार्मिक हैं, धार्मिक ज्यादा हैं, थोड़े अभिमानी हैं। ये बहुत बुद्धिमान है इसलिए अपने उठने बैठने चलने हर जगह बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, कैसे उठना बैठना हर चीज तौर तरीके से। आदर्श जो इनके होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं और जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के पूर्णतया ही पोषक होते हैं, आदर्शों को मानने वाले होते हैं। जितने भी सांसारिक भोग हैं उनको भी भोगते हैं, सांसारिक भोग को भी उपभोग करते हैं। ये अपने नियम खुद बनाते हैं और नियमों में रहना पसंद करते हैं। दूसरे लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं लेकिन ये स्वतः दूसरों पर कम विश्वास करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नियमावली का पालन ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा। स्वभाव से दानी है, दूसरों की हेल्प करना जानते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, अपने आप को स्थापित करने में कामयाब होते हैं। ये गणितज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कानून के जानकार हैं और ज्योतिष में स्वाभाविक रुचि है। तो अगर यहाँ पे गुरु अच्छे हो जाए तो आप बहुत अच्छे क्वालिटी के ज्योतिषी बनेंगे। ये प्रायः दार्शनिक विचार के हैं क्योंकि गुरु क्या है, आध्यात्म की बातें करता है, गूढ़ तत्व की बातें करता है। ये गूढ़ तत्व की बातें करते हैं, दर्शन की बात करते हैं। आस्तिकता इनमें कूट कूट के भरी होती है इसलिए परंपराओं के पोषक होते हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं लेकिन अगर एक बार इनका विश्वास टूट जाए तो फिर कभी भी विश्वास नहीं करते, इसलिए ये लोग धोखा भी कम खाते हैं। बनावटीपन इनके जिंदगी में नहीं होता, इसी बनावटीपन ना होने की वजह से लोग इनको अखड़ अभिमानी समझ लेते हैं। द्वेष और ईर्ष्या की भावना इनके अंदर ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। ये परिश्रमी होते हैं और परिश्रम की वजह से सफलता प्राप्त करते हैं। विरोधी पक्ष जो दुश्मन भी होता है उसके साथ भी उदारता बरतते हैं, सम्मान के भाव से मिलते हैं जिसके कारण समाज में इनका मान सम्मान बढ़ा रहता है। आर्थिक रूप से भी इनकी स्थिति बढ़िया रहती है, दूसरों को आर्थिक मदद करने में नहीं चकते, तेजस्विता इनके अंदर रहती है इसलिए जहां भी जाते हैं अपना अर्थार्जन कर लेते हैं। उग्र बहुत कम होते हैं, यदा कदा उग्र हो जाते हैं।
अल्प संतति वाले, चूंकि ये कुंडली है, संतान परिवार बहुत बड़ा नहीं होता, बचपना जो होता है स्टार्टिंग में, ग्रहों की माता से अगर अच्छी ना हो तो आर्थिक तंगी या बचपना थोड़ा कष्टमय बीतता है, क्योंकि सेकंड हाउस में शनि है। व्यवसाय और प्रेम दोनों क्षेत्र में लगभग ये लोग सफल हो जाते हैं। धर्म के प्रति इनकी पूर्ण आस्था, और स्वतः को धर्म से जोड़ते हैं, परिवार को धर्म से जोड़ते हैं, और अक्सर तीर्थाटन करने की इच्छा इनकी बनी रहती है। व्यवहार कुशल है, आप मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना है आपको पता है। अपने सहयोगी करीब जो करीबी हैं उनकी भी आप सेवा सहायता करते हैं। आप सबसे बड़ी बात है आपके अंदर, आप लक्ष्य के प्रति एकाग्र हैं और आपके लक्ष्य से आपको कोई अड़िंग नहीं कर सकता। अश्व वाली शक्ति है आपके अंदर, आप जितना चाहें उतना मेहनत कर सकते हैं, जितना चाहें उतना पथ आप नाप सकते हैं। आपके अंदर सबसे अच्छे गुण ये है कि दूसरों का भला करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, सबसे सहानुभूति रखते हैं, और एक आप दयालु हृदय के स्वामी हैं। ईश्वर में आपकी पूर्ण आस्था है, लेकिन जो वाय आडंबर हैं, आडंबरों से या बनावटपन से आप दूर हैं। ये लोग या धनु लग्न वाले जातक अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अर्जुन की तरह एकाग्र हैं। थोड़े से आपके अंदर कमी क्या है, क्योंकि द्विष्भाव की राशि है, द्विष्भाव का लग्न है, इसलिए अशांति रहेगी, अस्थिरता बीच में आ जाएगी, संशयग्रस्त भी आप हो सकते हैं, और उसकी वजह से चिंताएं आपको लगी रह सकती हैं। जब कोई गलत कार्य आपके दिल दिमाग पर आ जाए तो इन्हें बहुत दूर तक तोड़ता है, अंतर तक तोड़ता है, इसलिए आपको गलत संगत गलत विचारों से दूर रहना चाहिए। आपके लग्न के लाड गुरु हैं, इसलिए आपका व्यक्तित्व गुरुतापूर्ण है। सेकंड हाउस और जो धन कुटुंब का स्वामी है वहाँ पे सैटर्न है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आरंभिक स्थितियाँ खराब रहती हैं। उसके पश्चात भूमि भवन का भी स्वामी यहाँ पे गुरु है, तो आपको पर्याप्त मात्रा मिलती है। मंगल आपका पंचमेश है, संतान आपकी तेजस्वी होगी, कर्मठी होगी, कोई डाउट नहीं है। जो आपके जीवन संगनी है वो थोड़ा सा, आप जितने नियमों का पालन करने वाले हैं उतना नियमों से थोड़ा सा स्वच्छंद विचरण करने स्वतंत्र विचरण करने वाले हैं। आपके जो धर्म है, धर्म सूर्य के अंडर कृष्णी में आता है, इसलिए आप धार्मिक होंगे, खुद को धर्म से जोड़ेंगे, परिवार को जोड़ेंगे, राजा अगर आपके सन्नी कट आया तो उसको भी धर्म से जोड़ेंगे। तो व्यवसाय आपका अच्छा चलता है, बुध के अधीनस्थ है, कर्म आप करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी आपको मान सम्मान मिलता है। आपकी कुंडली में आय भाव का स्वामी आपका शुक्र है, तो शुक्र आपको संघर्ष के पश्चात आय देता है, संघर्ष कराता है, आप शत्रुओं से भी लाभ ले सकते हैं। अगर रत्न रेमडेस की बात की जाए तो पुखराज आपका जीवन रत्न है, पुखराज धारण करने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा, और भूमि भवन वाहन माता का सुख मिलेगा। मुंगा भी आप धारण कर सकते हैं क्योंकि मुंगा पंचमेश है, लेकिन मंगल कहाँ बैठा है, मंगल की एक राशि व्यात्मक है, इसलिए सोच समझ कर धारण करें। सूर्य की जो राशि है आपके भाग्य भाव में गोचर भाग्य भाव में चल रही है, इसलिए भाग्य भाव को बल देने के लिए, भाग्य के सपोर्ट के लिए आप माणिक धारण कर सकते हैं। मुख्यतः तीन ही रत्न आपके लिए बनते हैं। नीलम बिल्कुल आपको सूट नहीं करेगा, नीलम पहनने के चक्कर में ना रहें। हीरा भी आपको सूट नहीं करेगा, तो हीरा पहनने के चक्कर में ना रहें। दाम्पत्य जीवन व्यवसाय से संबंधित कर्म क्षेत्र में कुछ परेशानी आ रही है, तो समकालीन समय के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। पीत रंग आपके लिए सर्वाधिक अच्छा शुभ रंग है, उसके साथ साथ आप लाल कलर के भी कपड़े यूज कर सकते हैं, आप उसमें अपने मात्रा बढ़ा सकते हैं। श्वेत भी आप पहन सकते हैं, श्वेत भी आपको फायदा देगा, जो चमकीला श्वेत है, चमकीला वाला वो अपना पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। गुरुवार का दिन आपके लग्न का दिन है तो आपके लिए अच्छा है। मंगलवार आपका पंचमेश है, शुभ कार्य के लिए आप पंचम भाव पंचमेश का उपयोग करिए, मंगलवार का उपयोग करिए। रविवार के भी दिन जो आप काम करना चाहते हैं, धार्मिक काम या बड़ी यात्राएं, आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होंगी। 9 नंबर आपके लिए अच्छा है, 1 नंबर अच्छा और 5 नंबर अच्छा है, 3 अंक आपके लिए सदैव अच्छे होंगे। सेहत संबंधी आपको अगर कुछ परेशानी आ रही है तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें, चावल पीले करके आप पंछियों को खिलाएं या बहते हुए पानी में प्रवाहित करें तो आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या भूमि भवन वाहन संबंधी परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। तो ये चर्चा थी धनु लग्न पे, फिर चर्चा करेंगे अगली लग्न।